हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और मैं हूँ राजा राजा खेड़ीवाला और आप देख रहे हैं राजा खेड़ीवाला व्लॉग्स। और आज का जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन रीज़न ये है कि ये वही मनोज तारीख है जिस दिन भाई सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था और वो हमें छोड़ के चले गए थे। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग उनके वीडियो बनाते होंगे, पर जेन्युइनली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम जो रखा है राजा खेड़ीवाला, तो ये भाई सिद्धू मूसेवाला से इंस्पायर होके रखा है क्योंकि सिद्धू उनका सरनेम था, मूसेवाला उनका पिंड था, और यहाँ राजा मेरा नाम है और खेड़ी मेरा गांव है ना। तो मैं बेसिकली ये एक प्रकार से मेरे रोल मॉडल रहे वो, बस इतना सा डिफरेंस है कि वो सिंगिंग में इंटरेस्टेड थे, मैं सिंगिंग में नहीं हूँ। और बाकी हम दोनों में मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, वो भी मिडिल क्लास से, गरीबी से ग्रो हो के आज इतने बड़े इंसान बने थे वो। और मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ, और हर कोई माँ बाप, जो भी माँ बाप हो, आपके मेरे किसी के भी हो, वो सिद्धू पाजी जैसा ही बच्चा चाहेगा। क्योंकि सिद्धू पाजी ना थे ना, वो दुनिया के जो अदर सुपरस्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनके जैसे नहीं थे। इतना सक्सेस पाने के बाद भी वो इंसान एकदम नॉर्मल, सिंपल, सादा स्वभाव, और इतना पैसा होने के बाद भी वो अब वापस अपने गांव में ही जाके रहे, तो ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में बोला भी है कि कई लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसकी छोटी सी जॉब भी लग जाती है तो अपना गाँव छोड़ के निकल लेते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, प्लॉट लेके शहर में जाके सेटल हो जाते हैं। पर वो को उनका कहना था कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मेरे को मेरा गांव भी बड़ा पसंद है, और मुझे भी उनकी तो बात ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी दिन सक्सेस हुआ तो मैं भी अपने माँ बाप के साथ में गांव में रहूँ और उनकी सेवा करूँ। खैर अभी वो तो परमात्मा जाने क्या है ना। और सिद्धू मूसेवाला की जो फैन फॉलोइंग है भाई, वो तो आप जानते ही हो, इंडिया, पाकिस्तान में भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, और कनाडा, आप तो खैर जानते ही कहाँ कहाँ उन्हें पसंद करते हैं। और वो दिन मुझे याद है, 29 तारीख को मैं अपने रूम में सोया था और दोपहर में चार पाँच बजे के समथिंग मेरे को मेरे मौसी का लड़का है, उसका फ़ोन आया कि भैया तुमको पता चला कि वो सिद्धू भाई का मर्डर हो गया। तो मैंने कहा यार भाई मैं तो सोया था। जैसे ही देखा, कम से कम मिनिमम एक हफ्ता तो मुझे ढंग से नींद आई नहीं, एक हफ्ता से ज़्यादा ही समझ लो, दो हफ्ता, तीन हफ्ता। उसके बाद जब भी मोबाइल स्क्रॉल करता था उनके वीडियोस आ जाते थे, तो उसको देख देख के ना दिमाग से वो इंसान जा ही नहीं रहा था। और फाइनली इतना परेशान हो गया था कि मैंने उनके जो भी वीडियोस आते थे वो चैनल को ही रिकमेंड करना बंद कर दिया था, देखना ही बंद कर दिया था इतना। तो भाई वो बंदे से मेरा इतना जुड़ाव था कि हद से ज़्यादा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा तो सब जानते हैं क्या है कैसा है ना, और मैं तो क्या ही कहूँ उनके बारे में, बहुत अच्छे इंसान थे यार। और क्या है क्या है यार, अब जो भी था मैंने सोचा कि अब व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट कर ही दी, इतना सब कर रहा हूँ, तो जिनको आप आइडियल मानते हो, जैसा मैं पाजी सिद्धू पाजी को मानता था, इसलिए उनके लिए एक वीडियो बनाया मैंने। ये वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित है, और मैं बस यही चाहता हूँ गाइस कि आप मुझे भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो जो नए हों भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल ना। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, सत श्री अकाल, जय हिंद।